बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारी वीर्य की मात्रा कम हो चुकी है, वीर्य कम गिरता है, एक दो बूंदी गिर जाता है, मज़ा नहीं आता है, तो फिर वीर्य की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो वीर्य की मात्रा बढ़ाने के लिए जो नुस्खे बता रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, वीर्य की मात्रा वैसे कम होती नहीं है, हो सकता है कि घर्षण कम हो, घर्षण कम हो रहा है सेक्स के दौरान, या फिर आपको फिजिकल अनफिटनेस है, मतलब फिजिकली आप फिट नहीं, या फिर जितना एक्साइटमेंट चाहिए उतना एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो सब ठीक करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें डेफिनेटली आपने अप्लाई करना है। नंबर एक, जो घर्षण है वो अच्छा होने को ना सेक्स के दौरान, और बहुत जल्दी जल्दी न करते हुए आराम आराम से आप घर्षण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा और वीर्य की मात्रा बढ़ेगी। और उसके लिए यदि लुब्रिकेटिंग जेल आप लगाते हैं, लूब्स, लुब्रिकेटिंग लूब्स जो रहते हैं, वो स्त्री को भी लगाना, पुरुष ने भी लगाना, तो उससे बहुत अच्छा एक्साइटमेंट हो सकता है और ज़्यादा मात्रा में वीर्य बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, एक्साइटमेंट यदि आपका कम है, एक्साइटमेंट कम है, तो फोर प्ले ज़्यादा करो, और फोर प्ले ज़्यादा करने के बाद में फिर इंसर्शन करना है तो उससे बढ़ेगा। और नेक्स्ट है कि आप अश्वगंधा की पाउडर लेते हैं, समझो 500 मिलीग्राम सुबह शाम दो बार, उससे फायदा होता है। दवाइयाँ जो आप लेते हैं बाकी बीमारियों से, वो कितना बच सकते हैं वो देखो। क्या होता है कि काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है, जैसा एंटी डिप्रेशंस, एंटी एंग्जाइटी, एंटी साइकोटिक, ये दवाइयाँ उल्टा असर करती है और वीर्य की मात्रा कम हो जाती है। तो दवाई कितनी कम कर सकते हैं, मैं डॉक्टर से पूछ के दवाइयाँ कम करो। विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में लेना है, और रेगुलरली आप 40 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे, 3 से 4 लीटर पानी पी रहे, जंक फूड को अवॉइड कर रहे, तनाव स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे, इसके लिए मेडिटेशन, हिप्नोटिज्म, नो अल्कोहल, अल्कोहल को ना बोलना है, नो टोबैको, तंबाकू के लिए ना बोलना है, संतुलित आहार, 7 से 8 घंटे की नींद, बहुत ज़्यादा फल खाने में, और ग्रीन सब्जियां, तो लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वीर्य बढ़ाने में फ़ायदा होगा। और जब इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन के समय जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होके जो ऑर्गेजम जो है, अति उच्च अवस्था, सुख की बहुत अति उच्च अवस्था जो होती है, वो वीर्य जब बाहर निकलता है तब होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने के लिए मिलेगी। ये ज़रूर करके देखिएगा, आपकी कमेंट्स आपने डालना है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम है, लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू।